हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैट एजुकेशन। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स के रिगार्डिंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, के एग्जाम फॉर्म कब अवेलेबल होते हैं, आपका जो न्यू सिलेबस आने वाला है वो किन स्टूडेंट्स पर इंप्लीमेंट होगा, आपका जो एग्जाम का न्यू मोड है वो क्या रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा कि जितने भी डाउट है इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या तो आप थैंक यू चाइल्ड एजुकेशन भी लिख सकते हैं चैनल में अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल बटन करना ना भूलेगा। तो सी एस एग्जीक्यूटिव जो कोर्स है उसके जो ICSE से जो एग्जाम्स है 2 times इन अ ईयर कंडक्ट करवाता है, जून मंथ में और दिसंबर मंथ में। सी एस एग्जीक्यूटिव में जो है आप 2 मोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला मोड ये होता है कि आपने जो है सी एस डब्ल्यू टी को क्वालिफाई करके आप जो है सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री रूट से कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई सी भी स्ट्रीम से आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, मिनिमम आपके जो 50% होने चाहिए, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो आप जो है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो स्टूडेंट अदर देन जनरल कैटेगरी है, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको जो इंस्टीट्यूट फीस कंसेशन भी प्रोवाइड करवाता है। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आपको जो उस हिसाब से कंसेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन बात करें नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर की, सो मान लीजिए अगर आप सी एस डब्ल्यू टी को क्वालिफाई करके सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा रहे, रजिस्ट्रेशन फी होती है 2000 रुपीज़ की, एजुकेशन फी होती है, प्री एग्जाम टेस्ट की फी होती है 1000 रुपीज़ की, वन डे ऑरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस होती है 600 रुपीज़ की, और चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है 500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। और वहीं स्टूडेंट जो डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको जो है 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, वो होती है आपकी सी एस डब्ल्यू टी एग्जामेशन फी। आप डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको जो है सी एस डब्ल्यू टी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जो है डायरेक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट जो आपसे 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करती है सी एस डब्ल्यू टी एग्जामेशन फीस के लिए। ऑल दो सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है, लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट को टू बी स्पेसिफिक जून अटैम्प में या तो दिसंबर अटैम्प में देना है, तो वो कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो कौन से मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अपील होने के लिए, सो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अब एलिजिबल होने का मतलब ये है कि आप बोथ मॉड्यूल के एग्जाम दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आप बोथ मॉड्यूल के एग्जाम ही देंगे, आप हो सकता है कि आपको सिंगल मॉड्यूल देना चाहते हो तो आप सिंगल मॉड्यूल भी दे सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा, सो जो स्टूडेंट सी एस डब्ल्यू टी को क्वालिफाई करके सी एस एग्जीक्यूटिव में आते हैं उनको ये पता ही होगा कि सी एस डब्ल्यू टी में है सच एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं होते थे, जो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते थे उसके बाद आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन सी एस एग्जीक्यूटिव में जो है कोर्स में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है और एग्जाम फॉर्म फिल करने का प्रोसेस अलग है। एक बार आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो जो कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल का कोई सिस्टम नहीं होता, वो आप जो सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स हैज अ होल में रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आपके जो मॉड्यूल डिसाइड होते हैं वो होते हैं कि आप कौन सी डेट तक आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और उस डेट के अकॉर्डिंगली आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म आपके अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंगली आप जो अपने एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। तब भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे तो इस चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे कि एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बटन करना ना भूलिएगा। सी एस एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को आप रेफर कर लीजिएगा, वीडियो को जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जो है टोटल 7 पेपर्स रहने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं ये आपके पेपर्स रहने वाले ईच 100 मार्क्स के ही रहेंगे, और इसमें कोई भी पेपर जो है 100% MCQ बेस्ड नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ, इसमें जो है इंस्टीट्यूट ने न्यू मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया है, इसमें जो है आपके ईच पेपर में 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बाकी आपका रिमेनिंग 80% डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, एक्सेप्ट पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 100% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं न्यू मोड ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन इसमें आपके ईच पेपर में 80% डिस्क्रिप्टिव होगा और 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक्सेप्ट पेपर नंबर 4, जो कि आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का। बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की, तो आपके इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट में 50% मार्क्स। बात कर लेते हैं आपके कुछ मैंडेटरी कोर्सेज की, जो कि आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होने से पहले कंप्लीट कर लेने होते हैं। बेस्ट ये रहेगा कहना कि आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये कोर्सेज कंप्लीट कर लेने होते हैं, तो वो रहता है आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और वन डे ऑरिएंटेशन प्रोग्राम। वन डे ऑरिएंटेशन प्रोग्राम जैसे नाम से क्लियर हो जाता है, ये वन डे कोर्स रहता है, इसमें आपके जो नियरेस्ट रीजनल ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर ये कोर्सेज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूट अनाउंसमेंट भी रिलीज करती है, जिसके रिगार्डिंग में आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अपकमिंग मंथ में ये वन डे ऑरिएंटेशन प्रोग्राम कब कब होने वाले हैं उसका जो पीडीएफ का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये और कुछ नहीं, जो आप मॉड्यूल की प्रिपरेशन करेंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, सो मॉड्यूल 1 का अलग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, मॉड्यूल 2 का अलग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, और ये जो प्री एग्जाम टेस्ट है ये आपका ऑनलाइन MCQ बेस्ड रहता है, और जो मॉड्यूल में आप पेपर्स की स्टडी करेंगे उसी का सेम सिलेबस रहने वाला है। तो ये बेसिकली आपका सेम पेपर की तरह ही होता है, लेकिन 100% ये MCQ बेस्ड रहता है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में,
और अगर आपको नहीं मिलती तो आप जो है इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री एग्जाम जो टेस्ट होता है वो आपका मॉड्यूल वाइज होता है। मॉड्यूल वन का अलग प्री एग्जाम टेस्ट होता है, फोर प्री एग्जाम टेस्ट, और मॉड्यूल टू के फोर प्री एग्जाम टेस्ट अलग होते हैं। वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम चाहे मॉड्यूल वन का हो चाहे मॉड्यूल टू का हो, वो सिर्फ इंडिविजुअल रहता है। और आपने ये कोर्सेज एक बार कर लिया तो आपको बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और अगर आपको जानना है कि आईसीएस से आपको कैसे मार्क्स अवार्ड करते हैं तो आप जो है इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंस्टीट्यूट आपको कैसे मार्क्स अवार्ड करती है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है एग्जामिनेशन में। अब बात कर लेते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। अगर आप सीएसडब्ल्यूटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमने सीएसडब्ल्यूटी को क्वालिफाई कर रखा हो। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी जो एज लिमिट है 17 से कम नहीं होने चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आप 10 पास सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, एडमिट कार्ड, या तो हॉल टिकट ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन अगर आप 12th की एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं, या 12th की मार्कशीट अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्पेशल कैटेगरी। सो जो भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट जो फीस कंसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं जो भी स्टूडेंट अदर देन जनरल है, तो उनको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। इन सभी का क्या साइज होना चाहिए, तो फोटोग्राफ का होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के इन बिटवीन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB के इन बिटवीन, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स जो है 2 MB से लेस साइज के होने चाहिए। कौन से फॉर्मेट में आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं, तो जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी, पीएनजी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के लिए। बाकी के लिए आप जो है जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में से कोई से भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अब आपके कुछ और भी मिसलेनियस डाउट्स हो सकते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। सो आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की और कोर्स की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 5 ईयर्स तक के लिए। 5 ईयर्स तक आप जो अपने सीएस एग्जीक्यूटिव की एग्जामिशन दे सकते हैं। जब भी आप एग्जामिशन देंगे आपको जो सिर्फ एग्जामिशन फॉर्म फीस ही पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के एग्जामिशन में अपेयर हुआ है, तो वो क्या डायरेक्ट एंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस में बिना मार्कशीट और बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए? आंसर इज नो, देयर इज नो प्रोविजनल एडमिशन अलाउड इन सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल के लिए है सच कोई प्रोसेस नहीं होता। आपको स्टडी मटेरियल जब आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपका जो स्टडी मटेरियल उसी टाइम ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाता है। जब आपका एक बार इंस्टीट्यूट अपने एंड से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर ले, सक्सेसफुली आपको रजिस्टर्ड मान ले, तो वो जो है 10-12 डेज के अंदर इंस्टीट्यूट सेंड कर देते आपका स्टडी मटेरियल। लेकिन 10-12 डेज तो तब से होता है जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाता है। अब उसको अप्रूव होने में कितना समय लगे ये तो एग्जैक्ट कहीं भी गिवन नहीं है। सो आप ये मान के चलेगा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करा तब से लेके 1 मंथ या 45 डेज लग सकते हैं आपको स्टडी मटेरियल रिसीव होने में। अब आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट ऑफलाइन कहीं सेंड करने की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टीट्यूट को? आंसर इज नो, आपका जो पूरा प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो सभी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो है एक बार पेमेंट करी लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करी और उसमें सक्सेसफुल हो गया, तो एक तरीके से आपने जो है एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, एक्सेस पेमेंट कर दी, तो उस सिचुएशन में आप जो है क्लेम रिफंड कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट सर्विस DSSS@ICSA.edu में उनको जो है मेल करना पड़ेगा। प्रूफ के साथ आप जो है मेल कर दीजिएगा तो आपको जो रिफंड कर दिया जाएगा जो भी आपने एक्सेस पेमेंट करी है। अब बात कर लेते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम फॉर्म फीस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया, तो आपको पता ही है कि एग्जाम फॉर्म फीस भी अलग से आपको पे करनी पड़ती है जब भी आप एग्जामिशन में अपेयर होने जा रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो सीएस एग्जीक्यूटिव के अपकमिंग अटेम्प्ट के जो एग्जाम फॉर्म कब ओपन आपके हो सकते हैं, ये ऑल दो नॉर्मली डेट्स रहती है। इंस्टीट्यूट हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में जाके इन डेट्स को चेंज कर दे कि जो सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम फॉर्म की डेट्स रह सकती है, नॉर्मली ये डेट्स रहती है। लेकिन मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंज करा तो ऑब्वियसली बात है मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करते हैं, जब भी इंस्टीट्यूट एग्जाम फॉर्म ओपन करेगी तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बंद करना ना भूलेगा। तो ये थी सीएस एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल वीडियो। सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन की क्या लास्ट डेट रहती है, एग्जाम फॉर्म की क्या डेट्स रहती है, न्यू सिलेबस कौन से स्टूडेंट्स में एप्लीकेबल होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका लास्ट अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी कोर्सेस, जो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी A to Z। सो वीडियो के फ्रेंड्स से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए, या तो थैंक यू चाइल्ड एजुकेशन भी लिख सकते हैं। चैनल में अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलेगा। और सीएस कोर्स के रिगार्डिंग में और भी अपडेट्स आप जो है चाइल्ड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द पिन कमेंट। अगर आपकी कोई भी सीएस एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग में डाउट होंगे तो आप जो चाइल्ड एजुकेशन के इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को उनके सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स की जर्नी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।